नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, उसको सब चड्डी कहते थे तो, मतलब प्यार से हम उसको चड्डी कहते थे। तो अब मैं और चड्डी अकेले हैं पार्क में, मैं और मेरा चड्डी, मेरी चड्डी नहीं मतलब वो, तो हम दोनों अकेले हैं पूरे पार्क में। इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगी, कितनी धूप होगी उस टाइम पे, मई जून के महीने में, और बड़ा ग्राउंड है, कोई छोटी जगह पे नहीं खेलना था हमको। ये नहीं है कि घर में जाकर के वरांडे में खेलो, मजा ही नहीं आएगा, फायदा ही नहीं है, क्या खेलना है छाव में जा करके, धूप में खेलेंगे ना, आने दो सूरज को, देखा जाएगा। और उसके बाद में वहाँ पे हम खेल रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो चड्डी सामने से बॉलिंग कर रहा है। वो भी क्यों रुकता था, इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम लोग शर्त लगा के खेलते थे, बंटा की शर्त। बंटा एक होती है ना कांच की बोतल, मतलब उसमें कंचा होता है, उस टाइम पे दो दो रुपए की आती थी, तो हम शर्त लगाते थे। छः छः ओवर का मैच होता था मेरा और चड्डी का, जिसमें मुझे पता था कि मैं हारूंगा, उसको पता था कि वो जीतेगा, फिर भी मैं खेलता था। मैं कहता था दो रुपए में तीन घंटे खेलने को मिल रहा है, क्या बुराई है। तो उधर से दो रुपए की बंटा की वजह से वो खुश, क्योंकि वो मुझसे एज में बड़ा था, मेरे से अच्छा खेलता था, उधर से वो खुश, इधर से मैं खुश, मुझे खेलने को मिल रहा है, मुझे लर्निंग मिल गई, उसको अर्निंग मिल गई, दोनों का अपना अपना काम हो गया ना, डील कंप्लीट, सिंपल। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, अब हम खेल रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो बॉलिंग कर रहा है, और पूरा पसीने भीगे पड़े हैं, मतलब क्या हालत थी कमाल की। वो बंदा भागता, और बॉलिंग भी ऐसे नहीं कि स्पिन करा रहे हैं ना, पेसर फुल पेस, बंदा दूर से भागता हुआ आ रहा है, चड्डी भागता हुआ आया, इधर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, उसने डाली वाइड बॉल। अब ग्राउंड में पीछे दूर दूर तक कोई नहीं, तो रूल क्या था हमारे इस गेम का, रूल ये था कि अगर विकेट्स के पीछे जाएगी तो बैट्समैन जाकर के बॉल लेकर के आएगा, और अगर विकेट के उस तरफ जाएगी तो वो बॉलर जाएगा बॉल लेकर के। तो अगर मैंने मारा तो मैं कोशिश करता था उसकी वाइड ना ही पड़े, वाइड भी जाने का देते थे, ले भाई जा तू अब भाग। तो एक छह ओवर का मैच हमारा कम से कम तीन से चार घंटे चलता था, कम से कम, क्योंकि कभी मैं वहां भाग रहा हूँ, कभी वो वहां भाग रहे हैं, ला रहा हूँ यार बॉल, ला रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बॉल लाया, ले भाई, चल करा भाई, चल ले भाई, और वो भाग रहा है, कभी वो उधर भाग रहा है, कभी मैं इधर भाग रहा हूँ, फिर मेरी बॉलिंग आ गई, उसकी बैटिंग आ गई। तो ये हमारी गेम होती थी। इस खेल का क्या फायदा हुआ, इस जुनून का क्या फायदा हुआ, कि भाई आज भी मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस वेस्ट नहीं जाते, ये सब मेमोरी में पड़े हुए हैं, मेरी बॉडी की जो मेमोरी है, मेरे माइंड की जो मेमोरी है, उसमें सब फीडेड है। आज आप मुझे कहो नॉन स्टॉप 16 घंटे तक डेली काम करना है, बिना थके बिना रुके, और एक ऐसा काम जो बिल्कुल बोरिंग है, मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। इंटरेस्टिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, मैं इंटरेस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बोरिंग काम क्यों हो पा रहा है ये चीजें, ऑब्जर्वेशन पावर, लर्निंग एटीट्यूड, सीख लूंगा ना, बोरिंग है तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बना लूंगा ना, टिक जाऊंगा ना, मैं ये सोच लूंगा कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाने की लर्निंग चल रही है। अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने माइंड को टिकाना आ गया, तो इंटरेस्टिंग जगह पर टिकाना तो खेल है ना भाई, तो सिंपल।